हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड की राजधानी रांची में। तो अभी हम रांची आए हुए हैं और फिलहाल JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम के पास हैं। तो आज यहाँ पे जाके ब्लॉग बनाने का प्लान था। हमको जानकारी मिला था कि यहाँ पे रणजी मैचेस हो रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज़ है तो शायद अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। इनकेस अगर अंदर घुसने के लिए नहीं दिया जाता है तो हम लोग किसी दूसरे लोकेशन का ब्लॉग बना सकते हैं। ये रहा स्टेडियम और तो दोस्तों हम गार्ड लोग से बात की तो वो लोग बोलते हैं सॉरी, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट यू कांट गो इनसाइड। तो अभी हम लोग वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। तो फाइनली वी आर हियर, हम लोग दुर्गा डैम आ चुके हैं और यहीं पे बगल में जुडिशरी एकेडमी ऑफ झारखंड है। अगर कभी आना हुआ तो आप आ सकते हैं। तो अभी बारी है यहाँ का नज़ारा आपको दिखाने का, तो देरी किस बात की। तो ये रहा धुरवा डैम, काफ़ी बड़ा है। अगर आप डिमना लेक गए हुए हैं तो ये भी लगभग उतना ही बड़ा है काफ़ी, लेकिन इसका जो लंबाई है वो ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा जगह है ये घूमने के लिए। आप यहाँ घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आ सकते हैं। और यहाँ का एल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है तो हवा यहाँ बहुत शानदार चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। यहाँ घूमें और इन्जॉय कीजिए यहाँ का नज़ारा को, और क्या बोलें। तो दोस्तों हम चल चल के काफ़ी दूर आ गए हैं, लेकिन फिर भी रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस तरफ खेती खेत है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है इधर का भी। तो फोटोशूट के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ देखिए पीछे, यहाँ भी बहुत कोई है, पिकनिक मनाते हैं, उसके बाद फ़ोटोशूट करते हैं, उसके बाद कई लोग नहाने के लिए भी आते हैं। तो उतना सेफ़ नहीं है फिर भी नहाने के लिए। और काफ़ी लोग फिशिंग के लिए आते हैं, नीचे कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, जाके उनसे बात करते हैं। बारिश के टाइम से इतना ही पानी है क्या कि ज़्यादा बढ़ गया है? पानी खोल दिया गया था वो, मतलब कम हो गया है। अच्छा, मछली कितना बड़ा बड़ा पकड़ाता है यहाँ से? इतना बड़ा खाए जितना बड़ा खाना है, एक किलो दो किलो मिल जाएगा, मतलब इतना बड़ा एक ही कहीं नहीं मिलेगा। धूम स्थल यही है नगड़ी गांव का बोल रहे हैं ना? ना। अच्छा, वहीं का पानी जमा हुआ यहाँ पे? डैम का उस पार जाएगा तो ज्यादा दूर नहीं होगा, 4-5 किलोमीटर। अच्छा, उधर साइड से बहुत नजदीक होगा, इधर से हम बता रहे हैं। अच्छा, इधर से 7-8 किलोमीटर होगा, उधर से नजदीक होगा 4-5 किलोमीटर नगड़ी ना। तो यहाँ से स्वर्ण रेखा का जो उद्गम है नगड़ी, करीब 7-8 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर में, मतलब पूरा रोडे रोड जाएंगे तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, है बहुत लंबा है तब। तो उधर पार तो नहीं दिख रहा ठीक से, वो है इंटरपोल। क्या है? इंटरपोल, पानी वहाँ से इन होता है, सप्लाई के लिए जाता है। अच्छा, तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे और कोल्ड ड्रिंक्स भी ख़त्म होने वाला है, तो इसको हम यहाँ फेंकेंगे नहीं, यहाँ पे डस्टबिन उसमें डालेंगे। और मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो बॉटल्स प्लास्टिक को यहाँ मत फेंकिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो आ रहा है।